अरे चप्पल बाबा क्या नाम है आपका? मैं क्या? कौन लोग हैं आपकी पिटाई की? कौन लोग हैं, क्या है वो? वो ठाकुर है जी। और आप? हम गुप्ता है। अच्छा, फिर? फिर वो हमारे घर पर रात में चढ़ाए जी, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे जी। तो उन्होंने सब लड़के अपने इकट्ठे कर लिए जी। लड़कों का नाम बोल रहे हैं? बताओ। प्रदीप। इन्होंने मारपीट की है? और प्रदीप लल्ला और लल्ला बताइए। क्या दबंग है वो लोग? क्यों क्यों मारपीट की गई आपको? एक ही जगह पे कब्जा कर लो, हमारी जगह पे कब्जा कर लो चाहते। रात गांव छोड़ दे, रात में जिंदा ना रखे। गांव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं? हाँ। तो यहाँ SSP कर रहा, बाहर पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं आपके यहाँ? ना अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई कर रहा है कोई आपकी? थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल उन्होंने एक पत्र। नाम आपका? क्या नाम? गुप्ता। किशोर गुप्ता, क्या वजह है आप लोगों ने डेरा डाल दिया SSP कार्यालय पर? जी, हमारी कोई सुनवाई ना हो रही है अभी, इसलिए हमने डेरा डाला है यहाँ पे जी। तो कोई सुनवाई कर रहा है यहाँ आपकी? जी अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वजह हुई थी, क्या था मामला? मामला कुछ नहीं था, मेरे भैया आ रहे थे दुकान से, उन्होंने लूटपाट के मकसद से मेरे भाई को रास्ते में घेर लिया और दुकानदारी के सारे रुपए छीन लिए जी। वो करीबन 8-10 लोग थे। क्या वजह थी, क्यों करने? क्या वो जानते, ये कहते हैं तुम गांव छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी जमीन पे कब्जा करेंगे सारी, इस मकसद से वो दिल्ली रहते हैं, यहाँ पे अभी आए थे। कौन दबंग लोग हैं वो? हाँ, बहुत बड़े दबंग है वो, रिवाल्वर भी है उसके पास। किसी नेता वेता का, किसी का सर छड़ा है क्या उन्हें? हो सकता है ऐसा नेता का, क्योंकि किस पार्टी के लोग हैं वो लोग? भाजपा की तरफ से ही है। अभी आपकी कोई सुनवाई हो रही है? अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने में जसदपुर पहुँचे थे, वहाँ भी सिंपल रिपोर्ट लिख दी, ये बोला एप्लीकेशन ले जाओ, मेडिकल हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। यहाँ कब्जा करने के लिए कुछ लोग आए थे, मारपीट की गई है 8-10 लोगों ने, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे एक पक्ष प्रस्तुत हुआ था पुलिस कार्यालय में, जिसका आरोप है कि कुछ लोगों ने जमीन पे कब्जे के लिए विवाद किया था, जिसमें इसके रिश्तेदार हैं और कुछ पड़ोसी भी हैं, जिसमें मारपीट हुई थी, दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों चोटें आई हैं, इसमें अभी हम पंजीकृत है, मेडिकल के आधार पर उसमें उचित कार्रवाई सुनिश्चित। उसका आरोप है क्षेत्रीय पुलिस जो कोई सुनवाई नहीं की, तब SSP आकर कार्यालय पर डेरा डाल, जिसमें अभी पंजीकृत है और अभी पंजीकृत है, सूचना के बाद और मेडिकल का अवलोकन करने के बाद जो भी चोटें आएंगी उसी के साथ धारा लगेगी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, और जो लोग इसमें घटना कारित किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।